कधी कोसळू शकतो। राहुल गांधी यांनी सांगितलंय आम्ही कोणत्याही क्षणी सरकार पाडू शकतो। देखिए लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाला 14 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने सुना है, हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, उनसे डील हुआ है, ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है जिसका नमक खाते हैं उनको खत्म करते हैं, इनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं, ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर, लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। सर आरएसएस एक बड़े रोल में दिखाई दे रहा है, मोहन भागवत जो है योगी को मिल रहे हैं, देखिए योगी को मिल रहे हैं लेकिन मोदी को नहीं मिल रहे सर। देखिए आरएसएस को एक रोल देश में लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान रक्षा के लिए निभाना पड़ेगा। 10 साल तक जो नुकसान देश का किया है उसमें आरएसएस भी जिम्मेदार है। मोदी और शाहजी ने जो नुकसान किया है देश का, देश के लोकतंत्र का, देश की जनता का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, कश्मीर का, मणिपुर का, उसमें आरएसएस भी बराबर की जिम्मेदार है। आरएसएस के समर्थन से चूक दुरुस्त करना चाहते हैं, गलती दुरुस्त करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अरे सर होती म्हणून कुठेतरी काय करते, आमचं लक्ष आहे। मोहन भागवत यांनी योगी निवड घेतली, मात्र मोदी नाराजी, दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत। माझ्या माहितीप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय बैठकीत मोदी यांची नेतेपदी निवड झालेली नाही। राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीमध्ये मोदी यांची नेतेपदी निवड झाली अशी माझी माहिती आहे। जर भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय दलाच्या बैठकीत नेतेपदाचा प्रश्न आला असता तर वेगळा निर्णय दिसला असता। म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांची बैठक बोलवून भाजपसह त्या बैठकीमध्ये मोदींना नेता म्हणून निवडण्यात आलं, ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री म्हणून काही दिवसाचे पाहुणे आहेत हे मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सांगतोय। धन्यवाद। गरजा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा।